हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। भाई हद पार कर दी है सीरियल के मेकर्स ने। हम लोग यहां पर टीवी सीरियल को देख देख कर जो है बूढ़े होते जा रहे हैं और यहां पर उनका बचपना खत्म नहीं हो रहा। मतलब भाई इतिहास में ऐसा कॉलेज में किसी का इंटरव्यू मुझे तो नहीं लगता कभी हुआ होगा। मतलब यार ये जो पहेलियां वो लोग पूछ रहे हैं ना, ये लोग हम चौथी पांचवीं सातवीं आठवीं क्लास में फोर्थ सेवन स्टैंडर्ड में जो है ये पहेलियां बुझाया करते थे और जो इसका जवाब दे देता था भाई वो शहंशाह। लेकिन यहाँ पर कॉलेज का एडमिशन हो रहा है ऐसी बच्चों जैसी बरकानी बचकानी हरकतों के साथ। एंड फाइनली जब पहेलियां खत्म हो जाती है तो एक हिंदी व्याकरण का हिंदी ग्रामर का सवाल आता है जिसका जवाब देकर सभी को जो है वो अकेडमिक तौर पर जो है टैलेंटेड मान लिया जाता है। और यहाँ पर गाइस सभी की भी बहुत बड़ी गलती, मैं तो ये मानूंगा, लेकिन सभी की भी क्या गलती, सील की मेकर्स की गलती इससे भी मैं मानूंगा क्योंकि वो तो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अब पहले ही जवाब सवाल का जवाब ऐसे नाच कर कूद कर कौन देता है भाई ऐसी चीज़ों में। तो मतलब ऐसे लगता है कि यार इसकी मानसिक स्थिति तो ठीक है ना कि ऐसी हरकतें कर रही है। यार एक दो सवाल के बाद ये सब चीज़ें होती तो ठीक चल जाता, लेकिन अब पूरे ही सीन को मतलब बचकाना उन्होंने बना दिया है। ईशान बोलता है कि भाई अब स्पोर्ट्स का मैच होगा, वो भी बास्केटबॉल का मैच होगा। अब माना आईएएस उसे बनना है, पर उसके लिए भी कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती कि तुम्हें बास्केटबॉल खेलना आना चाहिए तभी तुम आईएएस ऑफिसर बनोगे। भाई ये बहुत सारे स्पोर्ट्स अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं जिसको क्रिकेट खेलना आता हो वो फुटबॉल में भी एक्सपर्ट हो। बस फिजिकल स्ट्रेंथ होनी जरूरी है, वो चाहे किसी भी गेम में हो फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आने वाले एपिसोड के अंदर और बचकानी हरकतें सीरियल के विकास करते हुए नजर आएंगे, तो जानेंगे सब कुछ डिटेल के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बचकानी हरकत के साथ। अब देखिए पहली बार यहाँ पर सभी जो है वो बास्केटबॉल खेल रही है और सभी ने इतना कमाल का ऑब्जर्वेशन दिखाया है, यहाँ पर इतनी अच्छे से ऑब्जर्व किया है यहाँ पर ईशान के हर एक स्टेप को कि ईशान के बराबर स्कोर उसने बना दिया है। अब लास्ट पॉइंट बचा है, मैच टाई चल रहा है, लास्ट एक पे पता है एक पॉइंट जिसको मिलेगा वो जीत जाएगा। अब ऐसे में ईशान जो है वो बास्केट करने जाता है तो भाई बास्केटबॉल का बास्केट टूटकर नीचे आ जाता है। एंड मुझे बास्केटबॉल के बारे में ज्यादा नहीं पता है, बट मैंने मूवीज बहुत सारी देखी है, कोई मिल गया देखी है और तो बहुत सारी मूवीज देखी है। अब यहाँ जादू की तरह दोनों उछल उछल कर तो रहे हैं, जादू की पावर के बिना भी उछल उछल कर यहाँ पर बास्केट कर रहे हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि बास्केट पर प्लेयर लटक कर पुशअप तक लगा लेते हैं और सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बास्केट टूट गया। मतलब भोसले इंस्टीट्यूशन में केवल और केवल दिखावटी चीज़ें ज़्यादा है, यहाँ पर क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं मेंटेन उन्होंने कर रखी है, चाहे वो इंटरव्यू के दौरान हो चाहे वो स्पोर्ट्स के दौरान हो। सभी ने मेरे ख्याल से तो भाई गलत जगह पर एडमिशन ले लिया, यहाँ से वो आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएगी। अब ऐसे में यहाँ पर सभी भी गोल करने के लिए आगे जाएगी, बट स्टिल यहाँ पर जो है सभी के एडमिशन के लिए वो लोग मना कर देंगे। हालांकि आप सभी को पता है कि सभी उसके बाद जाने वाली है क्लासरूम में, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है एंड फाइनली शांतनु फेवर करने वाला है और एक बार फिर से सभी को जो है सभी के अगेंस्ट जाकर एडमिशन वो दिलाते हुए नजर आएगा। ईशान यहां पर सिर्फ और सिर्फ रीवा के कारण जो है इस तरीके की हरकतें कर रहा है कि उसने अपने प्रोफेशन को पर्सनल लाइफ को सबको मिक्स कर दिया है, लेकिन इसमें ईशान की भी गलती नहीं है, इसमें भी सीएल के मेकर्स की गलती है कि उन्होंने यहाँ पर विराट के कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेकर कुछ आत्मा जो है विराट की ईशान में डाल दी है। अब यहाँ पर ना तो पूरी तरीके से विराट बन पा रहा है और ना ही पूरी तरीके से नया ईशान बन पा रहा है, वो बीच में रुक कर रह गया है जो कि अपने अतीत से निकल नहीं पा रहा है, जो कि उसका दो दिन का अतीत था क्योंकि रीवा ज्यादा दिन उसके साथ रही नहीं, और इसके बावजूद वो रीवा का कंपैरिजन कभी अपनी माँ से तो कभी सभी से तो कभी किस से तो कभी किस से कर बैठता है और यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में लाकर उसने मिक्स कर दिया, कबाड़ा कर दिया है सभी के इंटरव्यू का। अब भाई ऐसा बचकाना देखकर मुझे तो भाई हंसी आ रही थी आज का एपिसोड देखने के बाद, एंड मैं ये कहूंगा कि लीव के बाद अब तक का सबसे फनी एपिसोड ये रहा होगा जो हमको आज देखने को मिला है। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि अब स्टोरी लाइन चल रही है, कॉमेडी ही ठीक कुछ दिखा तो रहे हैं, बाकी नेगेटिव चीज़ों से तो कॉमेडी बेटर ही लगती है मुझे तो, बाकी तो आप अपने ओपिनियन शेयर कर ही देंगे मेरे साथ। अब आने वाले स्टोरी लाइन में बता दूँ तो एक बार फिर से हरिणी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद सभी को खुशी पहुंचानी है यहाँ पर हरिणी के घर पर, लेकिन जब हरिणी वहाँ पर पहुँचने वाली है, मेरा मतलब सभी वहाँ पर पहुँचने वाली है, तो सभी देखेगी कि हरिणी के तो आंसू ही 24/7 निकलते रहते हैं, यहाँ पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर सभी जो है वो हरिणी को एक दिलासा
हौसला देते हुए नजर आएगी, एक मोटिवेशन देते हुए नजर आएगी कि अगर आपको जो ताई अगर आपको ऐसी परेशानी है यहाँ पर, तो आपको ऐसे रिश्ते में बंधने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे बोलिए, हम लोग इस रिश्ते को तोड़कर आगे जाएंगे और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाइए, किरण के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है जो आपको जानवरों की तरह ट्रीट करता है। लेकिन यहाँ पर जो है हरिणी पूरी तरीके से रिश्तों में बंध चुकी है, वो फिर से अपने मायके भी नहीं जाने जाती, पुल के देवी ताई का अता पता नहीं है, मर गए, जिंदा है, कहाँ गए, कुछ अता पता नहीं है। तो हरिणी बेचारी इन सब चीजों में पिस रही है और यहाँ पर सभी को पता चलने वाला है कि हरिणी ताई की वजह से मुझे तो खूब मोटिवेशन मिला, उन्होंने मेरी जिंदगी तो बचा ली उस शादी से मुझे भगा कर, लेकिन उनकी जिंदगी को बचाना भी, उनकी रक्षा करना भी मेरा दायित्व है। तो यहाँ पर हरिणी की लाइफ में इंटरफेयर करते हुए और उसको सपोर्ट करते हुए सभी यहाँ पर नजर आएगी, जिसे हरिणी के घर वाले जो है और भवानी काकू जो है इंटरफेयर का नाम देने वाले हैं कि सभी अपनी लाइफ तो बर्बाद कर चुकी है, हरिणी के लाइफ को क्यों बर्बाद कर रही है पुणे जाकर। अब यहां पर ये सारी चीजें आपको चलते हुए नजर आएगी, भवानी काकू और आप सोच रहे होंगे तो पूरी तरीके से गायब हो गए, मजा आ गया, लेकिन 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 आने वाले एपिसोड में एक बार फिर से पुणे के में आपको दर्शन देते हुए नजर आएंगे और यहां पर सभी के एडमिशन, हरिणी के ससुराल, इन सबसे मिलजुल कर जो है अच्छी खासी चाल साजिशें करते हुए नजर आ सकते हैं और यहां पर समृद्ध का किरदार भी आने वाले एपिसोड में आपको सभी के बीच में टांग अड़ाते हुए नजर आ सकता है। ऑल ओवर आप लोग मुझे बताइए कि इन बचकानी हरकतों के साथ सीरियल को आप कितने रेटिंग्स देना चाहेंगे, 5 में से पिछले एपिसोड के हिसाब से दीजिएगा, इंटरव्यू को कितने रेटिंग देना चाहते हैं, मैं तो ये जानना चाहता हूं भाई 5 में से। और हाँ, स्टार मत भेजिएगा ना नंबर भेजिएगा, इमोजी भेजिएगा 5 में से, चाहे 3 भेजो, 4 भेजो, 2 भेजो, 1 भेजो, 5 में से कितने लाफिंग इमोजी आप भेजना चाहते हैं सीरियल के मेकर्स को भेज दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलूंगा सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।